स्वागत है दोस्तों। तो दंतेवाड़ा से एक बड़ी घटना सामने आई है। एनएमडीसी कर्मियों के नहीं मिले शव, पति को डूबता देख महिला ने लगाई छलांग, आंखों के सामने बह गया। ग्रामीणों ने पत्नी को बचाया। दंतेवाड़ा जिले के एनएमडीसी के दो कर्मचारियों की इंद्रावती नदी में डूबने से मौत हो गई है। फिलहाल इन दोनों का शव अब तक नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि ये दोनों कर्मचारी अपने परिवार के साथ सातधार में पिकनिक मनाने के लिए गए हुए थे। इन दोनों की पत्नी, बच्चे समेत कुल 10 लोग थे, जिन्होंने पहले पुल के नीचे खाना खाया, फिर दोनों कर्मी पानी में उतर गए। हालांकि जिस जगह ये पानी में उतरे वहां का जल स्तर थोड़ा कम था, लेकिन गहराई ज्यादा थी। पानी के बीच भंवर में फंसने की वजह से दोनों डूब गए। इधर सीएम ने भी ट्वीट कर इनकी मौत पर दुख जताया है। इनमें से एक प्रदीप दत्ता 50 वर्ष और दूसरा संजय राय 45 वर्ष है। यह दोनों एनएमडीसी किरंदुल में पदस्थ थे। हादसे के समय मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि पति को डूबता देख उन्हें बचाने के लिए एक महिला ने भी पानी में छलांग लगा दी थी, लेकिन वो भी डूबने लगी। किसी तरह से आसपास में खड़े ग्रामीणों ने महिला को पानी से बाहर निकाल लिया, लेकिन दोनों पुरुषों की जिंदगी नहीं बचा पाए। जोर जोर से चिल्लाने और रोने की आवाज सुनकर पुल के ऊपर खड़े सीआरपीएफ के जवान भी मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने बारसूर थाना व गोताखोरों को मामले की जानकारी दी। रविवार की देर रात तक गोताखोर दोनों कर्मचारियों के शवों को ढूंढने की कोशिश करते रहे, लेकिन अंधेरा होने की वजह से ज्यादा दूरी तक गोताखोर नहीं पहुंच पाए, जिससे दोनों कर्मियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। दंतेवाड़ा की डीएसपी आशा रानी ने बताया कि सोमवार की सुबह जब कोहरा थोड़ा कम होगा तो एक बार फिर से शव को ढूंढने की कोशिश की जाएगी। इंद्रावती नदी में दर्जनों मगरमच्छ भी हैं। सातधार पुल के नीचे जिस जगह हादसा हुआ है उसी जगह पर अक्सर मगरमच्छ भी देखे जाते हैं। ऐसे में शवों को ढूंढने के लिए पूरी सेफ्टी के साथ गोताखोरों को पानी में उतरना पड़ेगा।